हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू किसी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पिनच पास्ता, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है, और इसको हमने आज थोड़ा देसी स्टाइल में बनाया है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पास्ता बनाने के लिए हम सबसे पहले पास्ता को बॉयल करेंगे। इसके लिए हम एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 1.5 लीटर के करीब में पानी। वन टेबल स्पून नमक, वन टेबल स्पून ऑयल, और इसे बॉयल होने देंगे। पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे पास्ता और 10 से 15 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे बॉयल होने देंगे, ताकि पास्ता जो है अच्छे से कुक हो जाए। पास्ता अच्छे से कुक हो चुका है, अब हम इसे पानी से अलग करेंगे, यानी कि इसको छान लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ गार्लिक, और 1 से 2 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे सॉटे करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ऑनियन, इसको हमने रफली चॉप किया है, टोमेटोज, कैप्सिकम, स्पिनच। हमारे पास बेबी स्पिनच है, इसीलिए हमने इसको कट नहीं किया है। अगर आपके पास बड़े वाले स्पिनच है तो आप उसको कट करके डालें, और इसे मिक्स करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक, आप इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए सॉटे करेंगे, ताकि जो वेजिटेबल्स है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो वेजिटेबल्स जो है वो अच्छे से कुक हो चुका है, अब हम इसे पैन से बाहर कर लेंगे। अब हम पास्ता के लिए सॉस बनाएंगे। इसके लिए हम पैन में फिर से डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, 2 टेबल स्पून मैदा, और इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप के लगभग में मिल्क, या फुल क्रीम मिल्क है, और थोड़ा थोड़ा मिल्क डालकर हम इसे चलाते रहेंगे। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून बटर, और मीडियम फ्लेम पे हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो सॉस जो है वो थिक हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे पास्ता जिसको हमने बॉयल किया था, और इसे मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स जिसको हमने फ्राई किया था, और इसे भी मिक्स करेंगे। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ग्रेटेड चीज, थोड़ी सी हम इसमें डाल रहे हैं ब्लैक पेपर पाउडर, और इसको मिक्स करेंगे, और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। तो पास्ता हमारा खाने के लिए रेडी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो हमने इसे यहाँ सर्व किया, आप देख सकते हैं देखने में बहुत टेस्टी दिख रहा है, क्योंकि हमने इसे थोड़ा सा देसी स्टाइल में बनाया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जा सके। ओके, बाय, मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।